Good afternoon everyone. In this video we will discuss some important question for FCAT exam which is on 28th of August. So, jo questions isme hain bahut simple hain, basic question pick kiye hain, question kam liye hain maine, reason hai ki taki video ko thoda short rakha ja sake, zyada lambi video na banayi jaye. To डिस्कस करते हैं कि इसमें क्वेश्चन जो प्रीवियसली क्वेश्चन मतलब पेपर में जो पूछे गए हैं उसी के पैटर्न पे मैंने कुछ क्वेश्चन पिक किए हैं. मिक्स क्वेश्चन है, ऐसा नहीं है कि पर्टिकुलर किसी चैप्टर से रिलेटेड सारे क्वेश्चन हैं. इसमें क्वेश्चन मिक्स हैं, सारे चैप्टर से कुछ कुछ क्वेश्चन पिक किए हैं. तो डिस्कस करते हैं कि हम किस तरीके से उन क्वेश्चन को अटैम्प्ट कर सकते थे. फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आई विल रिकमेंड यू दैट कि सबसे पहले वीडियो को पॉज कर लेना ताकि उस क्वेश्चन को तुम सॉल्व कर सको. पहले खुद सॉल्व करके देखना, देन उस क्वेश्चन को उसका सॉल्यूशन देखना कि मैंने किस तरीके से उसको सॉल्व किया है, ताकि तुम्हें उसको ज्यादा अंडरस्टैंडिंग तुम उसको समझ सको, क्लैरिटी आए एक माइंड में कि कहाँ अगर तुमसे क्वेश्चन सॉल्व हुआ तो एक अच्छी बात है, नहीं होता है तो किस जगह तुम अटक रहे थे. ठीक है, पहला क्वेश्चन है हमारा, इफ ए एक्सीड बी बाय 40%, बी इज लेस देन सी बाय 20%, देन ए रेशियो सी. यहाँ पर ये रेशियो है, ए रेशियो सी हमें बताना है यहाँ पर. तो उसने बोला है कि अगर ए बी से 40% ज्यादा है, बी सी से 20% कम है, तो ए और सी का रेशियो कितना होगा. तो हम सपोज कर लेते हैं कि सी जो है ये 100 है. ठीक है, अब बी जो है सी से 20% कम है, तो यानी बी कितना होगा, 80 होगा. अगर हम सी को 100 मान लेते हैं तो बी 80 होगा, क्योंकि उसने बोला है कि 20% कम है. फिर बोल रहा है इफ ए एक्सीड बी बाय 40%, इसने बोला ए बी से 40% ज्यादा है, तो यानी इस 80 का 40% निकाल लें, तो इसका 10% होगा 8, तो 40% होगा इसका 32. ठीक है, अब ए का इसमें 40% ऐड कर दो, 80 में 40% ऐड किया यानी कितना होगा 112. तो अब ए की वैल्यू हो गई है 112 और बी की वैल्यू है 100, दोनों का रेशियो निकाल दो, ए रेशियो सी निकाल दो, यानी 112/110. ठीक है, अब इसको सॉल्व करोगे तो ये जाएगा 50 बार और ये जाएगा 56, देन 28 और 25, ये हमारा आंसर होगा. 28:25 ए ऑप्शन सही होगा. सिंपल क्वेश्चन था. इन क्वेश्चन में ज्यादातर क्या करना चाहिए कि एक वैल्यू लेट कर लो, मैक्सिमम ट्राई करा करो कि जो जैसे यहां पर इसने बोला है कि बी कम है सी से, है ना, तो उस वैल्यू को 100 ही लेट कर लो. फिर उसको क्योंकि यहाँ पर 20% कम बोला था, तो 100 को 20% कम करने में आसानी रहती है. अगर तुम कोई और नंबर लेते या 10 ले लेते, 1 ले लेते, तो वो पॉइंट्स में चले जाती, तो उसकी कैलकुलेशन थोड़ी टिपिकल हो जाती है इस वजह से. नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन अ स्कूल 70% ऑफ स्टूडेंट आर गर्ल्स. वो बोल रहे कि 70% किसी स्कूल में 70% लड़कियां हैं. ठीक है, द नंबर ऑफ बॉयज आर 150, यानी नंबर ऑफ बॉयज कितने हैं, 510 है. द टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन अ स्कूल इज, अब हमें बताना है कि टोटल कितने हैं. भाई 70% उसने बोल दिया गर्ल्स हैं, पहले पॉज कर लेना एक बार, फिर सॉल्यूशन देखना. तो 30% बॉयज होंगे, 30% की वैल्यू उन्होंने कितनी दे दी है, यानी 30% की वैल्यू हमें दे दी है 510, और हमसे पूछा है टोटल नंबर, टोटल मतलब 100% पूछा है, तो 100% की वैल्यू निकाल दो. ठीक है, तो इसमें अगर मैं 17 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो 510 हो जाएगा, तो इसमें भी 17 की मल्टीप्लाई कर दो, x था तो ये हो जाएगा 1700. यहाँ हमने क्या किया है कि 30% की हमें वैल्यू दे रखी थी और हमने 100% की वैल्यू निकाल दी है. ठीक है, 70% का यहाँ पर कोई रोल नहीं है, बस ये ऐसे ही तुम्हारा पागल बनाने के लिए बताया है कि बस मतलब कैलकुलेशन में कोई रोल नहीं है, ये तो पता चलेगा कि इसे 30% की वैल्यू ये है. ठीक है ना, बट इसका कोई रोल नहीं है इस क्वेश्चन में, तो याद रखना इससे कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है. 30% की तुम्हें वैल्यू पता चल गई है 70% पता होने की वजह से, कि 30% 510 है. तो अब तुम या तो ये कर लो कि 1% की वैल्यू निकाल के 100% निकाल लो, या ठीक है, या फिर तुम डायरेक्ट कर सकते हो कि 30% पता है और 100% की वैल्यू निकाल ली है. सिंपल क्वेश्चन था, तो इसका बी ऑप्शन सही है, 1700 इज द आंसर. थर्ड क्वेश्चन क्या है, अप्लाइड टू अ बिल फॉर 1 lakh, द डिफरेंस बिटवीन डिस्काउंट ऑफ 40% एंड 2 सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 36% एंड 4%. वो बोल रहा है कि 1 lakh का बिल है हमारा कोई, ठीक है, 1 lakh का कोई बिल है,
उस पे एक तो दे रहा है 40% डिस्काउंट और एक जगह मिल रहा है 36% एंड 4%। तो इनमें से पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि ज्यादा कौन सा आएगा। फिर अगर ज्यादा आता है या कम आता है, जैसा भी है, उसका हमें डिफरेंस बताना है कि डिफरेंस क्या आने वाला है। या तो दोनों बराबर होंगे या एक ज्यादा होगा एक कम होगा, तो हमें बताना है कि इनमें से ज्यादा कम कौन सा है। तो अगर मैं 40% डिस्काउंट सीधा सीधा निकाल देता हूँ, ठीक है ना, इसका 40% डिस्काउंट कर दूं तो ये बैठता है 60,000 का। भाई 1,00,000 का 40% कितना हो, 40,000। 40,000 माइनस किया तो 60,000 आ गया, ठीक है। अब हमें वो चीज 60,000 की पड़ रही है। अभी 36, पहले उसने बोला 36%, फिर बोला 4% सक्सेसिव डिस्काउंट। तो हम इसमें ये फॉर्मूला लगा लेंगे x प्लस वाई वाला। तो x की वैल्यू पुट कर दो 36, y की वैल्यू पुट कर दो 4, 36 इंटू 4 डिवाइड बाई 100। तो ये हो गया 40 + 144 / 100, 36 × 4 = 144। और अब इसको कर दो तो ये हो गया 41.44%। तो यानी जो 36% एंड 4% वाला है, ये डिस्काउंट ज्यादा है इसका कंपेयर टू 14%, ठीक है ना। कितना ज्यादा है, ज्यादा है 1.44%, ठीक है भाई। अगर मैं 41.44 में से 40% माइनस करूंगा तो कितना आएगा, यानी इतना परसेंट डिस्काउंट ज्यादा है सेकंड वाले में इसमें, ठीक है। तो 1,00,000 का 1.44% निकालोगे तो कितना आएगा, 1440 रुपए। तो डिफरेंस भी कितना आएगा, 1440, ठीक है। या फिर अगर ऐसे समझ में नहीं आ रहा है तो तुम क्या कर सकते हो कि पहले 1,00,000 का 36% निकाल लो। जैसे 1,00,000 का 36% निकाला तो कितना बचेगा, 64,000 बचेगा, ठीक है। अब इस 64,000 का 4% निकाल दो, अब इस 64,000 का 4% निकाल दो, जो भी आएगा वो माइनस कर दो, 64,000 में से वो डिफरेंस हमारा बच जाएगा, ठीक है। दोनों तरीके से क्वेश्चन किया जा सकता है, सिंपल है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अ ट्रेड मैन मार्क इज गुड 10% अबव हिज कॉस्ट प्राइस। किसी उसने जो कॉस्ट प्राइस है उससे 10% ज्यादा रख लिया और फिर बोला है इफ ही अलाउ हिज कस्टमर टू 10% डिस्काउंट ऑन द मार्क प्राइस। देखो मार्क प्राइस क्या होता है, सिंपल है वैसे, कि जैसे सपोज करो मेरा कोई मैंने सामान, मेरे पास कोई सामान है वो 100 रुपए का है, ठीक है। मैंने उस पर कॉस्ट बढ़ा के लिख दिया कुछ, ठीक है। जिसने बोला है 10% बढ़ा के लिख दिया तो हमने लिख देते हैं 110 रुपए। तो दिस इज मार्क प्राइस, ये मार्क प्राइस है और ये कॉस्ट प्राइस है, ठीक है। तो अभी बोल रहे कि ये जो 10% डिस्काउंट दे रहा है ना, ये 10% डिस्काउंट इस मार्क प्राइस पे दे रहा है, तो 110 का 10% डिस्काउंट देगा, ना कि इस पे 10% डिस्काउंट दे रहा है, ठीक है। तो अब इसको सॉल्व कर दो तो 11 रुपए का डिस्काउंट देगा। तो 11 रुपए का डिस्काउंट देगा तो कितने का बेचेगा, इसका मतलब 99 रुपए का। तो 99 खरीदा तो उसने 100 रुपए का था, बेच 99 रुपए का रहा है, तो यहाँ लॉस होगा कितना, 1% का लॉस हो गया उसको। इन क्वेश्चन में हमेशा याद रखना कभी भी प्रॉफिट नहीं होगा, ज्यादातर किसी भी क्वेश्चन में प्रॉफिट नहीं होता है, इसमें हमेशा लॉस होगा। तो इस क्वेश्चन को ये मत करना कि यहाँ पर तो ना ही लॉस है ना प्रॉफिट है, क्योंकि 10% उसने कॉस्ट प्राइस बढ़ाया है, 10% ही कम कर दिया है। बट उसने जो 10% बढ़ाया है वो बढ़ाया है 100 रुपए पे, और वो जो 10% कम कर रहा है वो कर रहा है 110 रुपए पे, तो यहाँ ये डिफरेंस बन जाता है, ठीक है। तो इसलिए इसका 10% ज्यादा होगा, 11 रुपए होगा, इसका 10% 10 होगा, तो यहाँ पे 1 रुपए का नुकसान हो रहा है उसको। जो 1 रुपए का नुकसान है मतलब 1% के लॉस में जा रहा है, ठीक है। या फिर इसको इस तरीके से भी कर सकते हो कि जो बढ़ाया है उसमें सेम फिर से फॉर्मूला लगा लो, ठीक है। 10 रुपए बढ़ाया है, 10 रुपए कम, 10% कम किया है, प्लस 10 × -10 सॉल्व कर दो इसको, ये तो कैंसिल आउट हो गए। यहाँ कितना बचा, -100/100, यानी माइनस का 1%। तो माइनस शो कर रहा है लॉस को, क्या शो कर रहा है, लॉस। तो इसको हो गया 1% का लॉस, ठीक है। दोनों तरीके से क्वेश्चन किया जा सकता है, पर ध्यान रखना कोशिश यही करो कि फॉर्मूले कम से कम याद करने पड़े, ज्यादा फॉर्मूले याद ना करने पड़े, कॉन्सेप्ट के बेसिस पे ही हमारे क्वेश्चन होते चले जाएं, वो ज्यादा बेटर अप्रोच है। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन, अ डिस्काउंट ऑफ 15% ऑफ वन आर्टिकल इज सेम एज द डिस्काउंट ऑफ 20% ऑफ द सेकंड आर्टिकल। कोई दो आर्टिकल है एक्स और वाई, मान लेते हैं कि एक आर्टिकल एक्स है एक आर्टिकल वाई है, ठीक है। उसे बोल रहा है कि इस आर्टिकल का 15% डिस्काउंट बराबर है
इस आर्टिकल का 20% के डिस्काउंट के, तो 15% डिस्काउंट निकाल दो जरा एक्स का, बराबर होगा 20% वाई के डिस्काउंट के, ठीक है। 100 से 100 कैंसिल हो गया, तो ये हो गया एक्स अपॉन वाई, आ गया तुम्हारा 4/3, ठीक है। एक्स अपॉन वाई की वैल्यू आ गई 4/3। अब दो तरीके हैं इसमें, चेक कर लो कि यहां पर किसका रेशियो 4/3 बन रहा है। देखो ये तो बन नहीं सकता और ये भी नहीं बनेगा, बचे ये दो ऑप्शन। तो इसका देखो तो ये, इसे अगर मैं 20 से कैंसिल करता हूं तो ये 2/4 बनेगा और ये 3 बनेगा, तो ये आंसर होगा हमारा। क्वेश्चन क्या था कि एक आर्टिकल, कोई दो आर्टिकल एक्स और वाई, एक पे 15% का डिस्काउंट दे रहे हैं, दूसरे पे 20% का, दोनों का डिस्काउंट बराबर आ रहा है। मतलब जब मैं पहले आर्टिकल पे 15% डिस्काउंट दे रहा हूं, वो इक्वल है 20% डिस्काउंट के सेकंड आर्टिकल पे। तो कुछ गलती ये मत कर देना कि दोनों की वैल्यू एक्स मत रख लेना, ठीक है ना। दोनों के प्राइसेस अलग अलग होंगे, ठीक है, दोनों के प्राइस अलग अलग होंगे तो वेरिएबल भी अलग अलग बनाना है। तो याद रखना 15% ऑफ एक्स इज इक्वल है 20% ऑफ वाई। सॉल्व किया तो एक्स अपॉन वाई आ गया मेरे पास 4:3 में, तो 4:3 ये ऑप्शन बन रहा है कि अगर एक्स की वैल्यू 80 है सपोज करो और वाई की 60 है, तो इसका अगर मैं रेशियो निकालता हूँ एक्स अपॉन वाई कर देता हूँ, तो 80/60 हो जाता, 0 से 0 कैंसिल हो गई, ये 2 से 4 टाइम्स गया, 2 से 3 टाइम गया, तो x अपॉन वाई कितना आ गया 4/3। सिंपल क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। वो बोल रहे हैं एन एजेंट गेट कमीशन ऑफ 2.5% ऑन द सेल्स ऑफ क्लोथ, कोई क्लोथ उसने बेचा है उसका, उसको उस पे 2.5% कमीशन मिलता है। इफ ऑन अ सर्टेन डे ही गेट 12.50 एज कमीशन, द क्लॉथ सोल्ड थ्रू हिम ऑन दैट डे इज वर्थ, मतलब उसने, उसे जो, मतलब जब वो कपड़ा बेच रहा है उसे 2.5% कमीशन मिलता है जितना उसने बेचा। तो एक दिन उसे 12.50 रुपए कमीशन मिला, तो हमें ये बताना है कि उस दिन उसने कितने रुपए का कपड़ा बेचा होगा। तो हमें यहां पर इनडायरेक्टली इन्होंने 2.5% की वैल्यू बता दी है, 2.5% की वैल्यू बता दी कि 12.50 रुपए आज के लिए, हम आज ही की बात कर रहे हैं। सपोज करो उसने आज सपोज 10,000 का कपड़ा बेच दिया है, तो कमीशन तो सिर्फ 2.5% ही मिलेगा ना 10,000 का, ठीक है। तो उसने जितना भी कपड़ा बेचा उसका 2.5% निकाला, तो वो 12.50 रुपए के बराबर आता है उस दिन। तो हमें ये बताना है कि 100% की वैल्यू कितनी है, हमें क्या बताना है 100% की वैल्यू कितनी है। अगर मैं इसमें 40 की मल्टीप्लाई कर देता हूँ, 2.5 में 40 की मल्टीप्लाई कर दो 100 हो जाएगा, तो इसमें भी 40 की मल्टीप्लाई कर दो, ठीक है, एक्स की वैल्यू आ जाएगी कितनी 500। 12.50 में जब तुम 40 की मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा 500 आएगा, तो ये हमारा आंसर हो गया। बहुत सिंपल क्वेश्चन था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड एक क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है। कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 2 ईयर इज 4% पर एनम इज ₹102। उसने बोला है कि 2 साल के लिए टाइम दे रखा है, 2 साल, रेट दे रखा है 4% और कंपाउंड इंटरेस्ट की वैल्यू दे रखी है ₹102 आती है। तो बोल रहा है कि सेम रेट पे सेम टाइम पीरियड के लिए सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा, मतलब 2 साल के लिए रेट भी अगर 4% होता तो ऐसा ही क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होगा, ये क्वेश्चन है। तो सपोज कर लो हमारा प्रिंसिपल 10,000 रुपए है, मान लेते हैं, ठीक है, प्रिंसिपल हमारा 10,000 रुपए है, तो इसके अकॉर्डिंग अगर मैं निकालता हूं तो कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा कितना आएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट मेरा आएगा 4% यानी 10,000 का 4% निकाल दो 400, ये भी 400 और इसका 4% निकालो 16 हो गया, तो टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट आ गया हमारा ₹816। तुम फॉर्मूला भी यूज कर सकते हो, वैसे इसके लिए मैं वीडियो डालूंगा ताकि तुम ये कॉन्सेप्ट समझ पाए, फॉर्मूला यूज कर सकते हो ये वाला, ठीक है, बेसिक जो फॉर्मूला हम यूज करते हैं, तो इससे कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट कर सकते हैं 10,000 रुपए मान के। तो सी आई आ गया हमारा ₹816 और हमारा एस आई आएगा ₹800, ठीक है, हमारा एस आई आएगा 800, सी आई आ गया ₹816। अब इनका सी आई और हमारा सी आई में कंपैरिजन कर लेते हैं एक बार, कि इन हमारा सी आई 816 है, इनका 102 है,
तो इनके सीआई से देखें तो हमारा सीआई जो है कितने गुना ज्यादा है, ये देख लेते हैं। ठीक है, ये कितने टाइम ज्यादा है, यानी 8 टाइम ज्यादा आ रहा है। 102 में अगर मैं 8 की मल्टीप्लाई करूंगा तो 816 हो 16 होगा। तो यानी जो हमारा एसआई आया है वो भी इनके एसआई से 8 गुना ज्यादा होगा। जब हमारा सीआई 8 गुना ज्यादा है तो एसआई भी तो 8 गुना ज्यादा होगा। तो अगर मैं इसमें 8 का डिवाइड दे देता हूँ, ठीक है, 8 का डिवाइड दे देता हूँ, तो मेरा सिंपल इंटरेस्ट आ जाएगा जो कि होगा 100 रुपए। जब तुम्हें ये वाला कॉन्सेप्ट मैं तुम्हें समझाऊंगा, इसकी वीडियोस कंपाउंड इंटरेस्ट चैप्टर की प्रॉपर वीडियोस में डालूंगा अपने यूट्यूब चैनल पे, तब तुम्हें इस क्वेश्चन को इतना लंबा करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तुम अगर तुमने जो मेरे स्टूडेंट्स हैं उन्हें अगर उनको ये जो इनको कॉन्सेप्ट पता है ये, ठीक है, उनके लिए क्वेश्चन बहुत सिंपल रहा होगा। इस तरीके से क्वेश्चन करना बड़ा आसान हो गया होगा। तो 100 रुपए जो होगा ये आंसर होगा। तो इस तरीके से कंपेरिजन करके भी हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, एक बेसिक सिंपल मैथड है। और ये अप्रोच भी ध्यान रखना काफी सारे क्वेश्चंस में यूज होगी, ठीक है ना। तो इस वीडियो में इतना ही था, कुछ 7-8 क्वेश्चन मैंने पिक किए थे, सिंपल क्वेश्चंस थे काफी, पर एफकेट के लिए इंपॉर्टेंट है। एफकेट में मैथ्स ज्यादा टिपिकल नहीं आती है। नेक्स्ट वीडियो में हम कुछ और अच्छे क्वेश्चन पिक करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना ना भूलना, सब्सक्राइब करने ला चैनल को फॉर द मोर वीडियोज, क्योंकि यहाँ पर अभी मैक्सिमम सभी सब्जेक्ट्स की वीडियोज मिलने लग जाएंगे तुमको। सब्सक्राइब करना चैनल को और जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ में। जय हिंद, जय भारत।